राम राम सीताराम। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हमारी वाणी स्टार्ट होने वाली है आज। तो इससे पहले कि बारिश आ जाए वापस, क्योंकि बारिश शायद आज पता नहीं ब्रेक दे या थोड़ी सी आए, अगर थोड़ी सी भी आ गई तो फिर वाणी में ब्रेक लगेगी। इसी तरह होता है वाणी का और हम किसानों का कि बारिश के साथ ही हमें चलना होता है। जैसे बारिश आती है हम रुकना होता है, जैसे थोड़ा सा धूप निकलेगी वापस वाणी स्टार्ट होती है। आज भगवान को कॉल कर दिया मैंने सुबह सुबह, तो जब तक वाणी की बात होती रहती है दिन में दो तीन दिन बाद। हाँ, वो फोन करते रहते हैं, मैं इतनी बिजी होती हूँ, टाइम नहीं होता, लेकिन कभी कभी उठा लेती हूँ। बस मॉर्निंग से मॉर्निंग में इतना फेंकना काफी है, उससे ज्यादा फेंकेगी तो लोग गिरेंगे सुन के। और हम हमारी मूंगफली के सीड्स में कोई भी दवाई नहीं यूज कर रहे, केमिकल्स। ये गोमूत्र है और लोग इसके लिए बीजामृत भी बनाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 साल से गोमूत्र का यूज कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये वावणी की शुरुआत करने से पहले स्वस्तिक बनाते और सुकुन माना जाता है। ये स्वस्तिक हमारे सनातन हिंदू धर्म में कुछ भी अच्छा शुभ कार्य करने से पहले मूंग होते, ये राइस होते, कंकु एंड ये स्वस्तिक होता है। सो वावणी के दिन हम सबको तिलक करते हैं, जो भी वावणी में होते, ट्रैक्टर को, हमारी जो ड्रिलिंग मशीन है इनको, हमारी गायों को, घोड़ियों को। अभी ओम को बाकी है वहाँ पे। वाओ, ओह लुक, ही लुक्स वेरी हैंडसम विद द तिलक। दूसरे खेत में पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब देखते हैं कितना गीला है खेत, या तो ट्रैक्टर चलाने के लायक है, या ज़्यादा अगर मिट्टी आ रही है टायर में तो थोड़ी देर रुकना पड़ता है, क्योंकि धूप अच्छी है। अराउंड 1 घंटे में अच्छे से वावणी स्टार्ट हो जाएगी अगर वापस बारिश ना आ गई, लेकिन शायद आएगी बारिश लेटर ऑन पूरे दिन में आज, क्योंकि ये हवा चल रही है। जब भी ये हवा चलती है तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बारिश आ ही जाती है। ऊपर
खेत में खाना चल रहा है जिसमें टोमेटो की सब्जी है, दूध है, दही है, छाछ एंड रोटी। खेत में खाने का मजा आता है। वैसे मुझे सुबह खाना होता है लेकिन आज ये था थोड़ा सा लेट और मेरा स्वभाव है कि जब भी कुछ काम चलता है, वैसे तो रामो चला रहा है ट्रैक्टर, लेकिन फिर मुझे वहाँ पे शांति नहीं मिलती। मैं जहाँ काम चल रहा होता है और पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही सुकून मिलता है कि चलो ये काम हो गया। भरती का वैसा नहीं है, भरती बहुत लापरवाह है। What? सच में? नहीं, भरती सीख रही है क्योंकि पहले भरती ने खेती नहीं की कभी भी। शादी के बाद ही इसको जो भी एक्सपीरियंस हुआ खेती का वो हुआ शायद। छोटी थी जब 5-6 साल मतलब की तब थे, लेकिन खेती थी उनको भी, लेकिन भरती का तब छोटी भी थी एज बहुत और स्टडी में ज्यादा ध्यान था। अब भरती का ध्यान ज्यादा मेरे में है। नहीं, लेकिन जब साथ आई थिंक 10th से फिर हॉस्टल में थी तो जब समझने लायक जब हमारी एज हो जाती है कि अब क्या चल रहा है खेत में, लेकिन किया है मैंने कभी कभी जब छोटी थी, लेकिन इतना नहीं। पहले क्या होता था, कुछ भी काम होता है, कुछ घर का काम। मैंने सुना था कि जब खेत में काम चलता था भारती छोटी थी तो उसको बिठा देते थे खेत में, ये किया करती थी कि ये मिट्टी होती है उसको ऐसे अपने माथे पे डालती रहती है, छोटी डिब्बी हाथ में दे दे बस, उससे पूरा दिन खेलती रहती है। एक ही काम, खिलौने होते नहीं थे उस टाइम में, तो मिट्टी अपने सर पे मतलब मिट्टी से स्नान करती थी। तो कितनी अच्छी गुड गर्ल थी, कोई टॉय के बिना। लेकिन ये एक बात तो सही है, सभी को माननी पड़ेगी, मैं 1 साल और 3 महीने की थी और मैं मेरी मासी के घर अकेली रुकी थी और फिर वहाँ पे ही रह गई, तो गुड गर्ल
होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी अभी हम सोचते हैं ओम को कहीं दूसरे घर पे छोड़ के आए, वो जहाँ पे वो कभी नहीं गया, तो वो एक रात भी नहीं निकलेगा। लेकिन मम्मी बोल रहे थे कि मैं रोई भी नहीं थी, और यहाँ पे आई थी तो जो एक मम्मी ने वहाँ से दूध की बोतल भेजी थी, तो मासी को यहाँ मेरा लखुपा है वो बड़ा हो गया था, तो फिर उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है ना और दूध की कभी कभी, तो वो मासी ने वो बोतल सीधी फेंक दी और दूसरे जैसे कटोरी में दूध पिला दिया। फिर रात को मैंने उठ के बोला कि मुझे भूख लगी है, सो मैं ऐसे क्वाइट नेचर की थी एंड खाना जो मिल जाता है तो सो जाती थी, इसलिए फिर यहाँ पे ही रह गई। कितनी अच्छी गुड गर्ल थी, मेरा वो तूफानी बच्चों में नाम नहीं आता, मतलब नोटिनेस नहीं थी, इसलिए तो रह गई हमें। बहुत शांत स्वभाव की थी वो, हमेशा ही बोलते हैं जो मेरे जो ससुर जी है जिन्होंने भाटी को पाल पोस के बड़ा किया, वो भाटी के जो जन्मदाता पेरेंट्स थे वो आए थे कल। लेकिन सच में थोड़ी सी फीलिंग्स डिफरेंट होती है, लेकिन जो भाटी के पापा है जो जन्मदाता, उनके स्वभाव बिल्कुल भाटी के जैसा, उनका बिल्कुल नेचर सेम है दोनों का, क्वाइट और अपने काम से काम में रहा। मेरा उससे बिल्कुल अपोजिट बहुत बातें करता हूँ मैं, धीरे मुझसे बोला नहीं जाता, लेकिन मेरी बात सच्ची होती है, स्ट्रेट होती है, इसलिए लाउड भी होती है। बहुत लोग बोल रहे थे कल के कुछ वीडियो में कि रामो आपका भाई, हाँ रामो मेरा भाई है, मतलब मेरे चाचा का लड़का है, लेकिन हम दोनों का खेत अपना अपना है, जो दादा ने मतलब दादा ने तो नहीं, पापा ने पार्ट्स कर दिए थे, लेकिन पापा बड़े हैं तो हमेशा ही पापा कह रहा है कि अपने भाइयों का ख्याल रखना है, इसलिए रामो का और चाचा भी होता नहीं है, रामो के पापा फाइनेंशियली भी, और हम हेल्प करते हैं जितनी हमसे हो बनती है, और भाइयों में हमेशा ही ये होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए है? नेक्स्ट मंथ ये वर्ड तो थी ओले भाई को होता था, अभी रामो का टर्न है खाने का, नहीं नहीं सही खाई ले हारू तूने। तो अभी मैं जाने वाली हूँ घर, ओम का कुछ खिलाना और होगा, और यहाँ पर बस खास बाकी है इस साइड का, वो साइड का ये साइड हो गया पूरा, कर रहा है और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अगर बच्चे भी करें, क्योंकि गौमूत्र है, और ये ओम हजे ऊपर कर भी पड़े अभी, और स्विच ऊपर करो, ऊपर की साइड पूरा, हाँ नीचे नीचे नीचे, हाँ चलो सब में, ये गौमूत्र है, ये थोड़ा सा पेट में भी गए तो भी अच्छा है, चलो करो जो बाकी है इसमें, कजोली साइड बाकी है, क्या कर रहे हो तुम? मम्मी का खेत। ओके, और आज हम बीज लगा रहे हैं हमारे खेत में, है ना? एक मिनट रुक ना, अभी नहीं रुक 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 जाओ, एक मिनट ज्यादा हो जाएगा अभी नेक्स्ट में, ठीक है? पहले ये भरना है और बाद में दूसरे सीड्स यहाँ पे डालने और उसमें वापस करना है। अभी दूसरे खेत में वावणी हो गई है, अभी इस खेत में स्टार्ट करने वाले हैं, एंड यहाँ पे है ओम, यहाँ पे है पापा, एंड यहाँ पे है मम्मी जी। ओ मम्मी जी हेलो बाय, आज हमें मान भी बावी है ना, ते बहुत खुश से ओम ओम तो बाय। हेलो दोस्तों, दिस इज सो मडी एंड आई विल ट्राई टू जस्ट टेक आउट द मड। ओके, यस, इसमें सीड्स डालते हैं
है ना, इसमें सीड्स होते हैं, फिर यहाँ से आगे आते हैं, कहाँ आते हैं, यहाँ नीचे आते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे आते हैं ना सारे सीड्स, फिर ये राउंड राउंड होता है और सीड्स यहाँ से जाते हैं नीचे। समझ में आया? पाइप में। इज इट एग्जॉस्ट पाइप? कैसे चलता है पता है इसको? इसको कहते हैं सीड्स ड्रिलिंग मशीन, जो सीड्स हमारे खेत में डालता है। एंड देखो ये घूमता है यहाँ पे राउंड एंड राउंड, ये वाला राउंड एंड राउंड होता है, और फिर इसके साथ ये चेन चलता है, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर सीड्स अंदर जाते हैं। समझ में आई पूरी सिस्टम? लुक यू सी सीड्स पड़े, देखा तूने लाइन में? कैन यू सी जो मैं लाइन मोला ओली लाइंस में देखा है? ये अंदर हाइट से जस्ट आराम से को भी है मत पर कोई पासी कोई कोई पासी हाइट से जाए कि क्या अंदर हाइट करवा पड़े ना अंदर अपने माथे लिसन डोटा ओम की अभी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट होने वाली है तो ओम अभी बोला था गुड थिंग क्या है उसमें ओम? कि मुझे स्कूल जाना क्या कि मुझे स्कूल नहीं जाना हो। ओह सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? मुम्मा नहीं करना लेकिन दूसरी बात ओम को ऑनलाइन स्टडी में जो भी होमवर्क आता है वो अच्छी तरह से करना है। अगर ओम ने होमवर्क नहीं किया तो दूसरे दिन से स्कूल। सो ओम तुमको घर पे रहने होम घर पे रह के होमवर्क करना है कि स्कूल जाना है? घर पे। हां घर पे वीना। अगर होमवर्क नहीं किया ना, अगर मेरे साथ तुमने झगड़ा किया ना, तो नेक्स्ट डे से स्कूल जाना है तुमको अकेले को। सो होमवर्क कर लोगे? ये से दैट आई विल फिनिश होमवर्क देन। ये अभी देखो अभी ओम की एनर्जी खत्म हो रही है। देखो अभी मैं टच करूंगी और ओम गिर जाएगा। देखो मैं छोड़ूंगी और ओम गिर जाएगा। देखना दोस्तों या टिंग टिंग गो बम जो है जंप नहीं इंडोर एक्सरसाइज करता है ऐसे, लेकिन ठान ली है कि एक पूरा दिन कहीं भी चुप नहीं बैठना, एक मिनट शांति से नहीं बैठना, पूरा दिन घर के अंदर हो या बाहर हो कुछ ना कुछ करना है, है ना? अभी हमारे वो खेत में लगा दी है सीड्स ऑलरेडी, और इस खेत में हाफ तो नहीं बोल सकते, हाफ से थोड़े से कम है उतना लगाया है। अभी इस साइड का बाकी है जो आपको दिख रहा है यहाँ से, और इस साइड का ख़त्म हो गया, और अभी 2 बजने के आए हैं, आई थिंक 3 बजे तक, 3 या 3:30 बजे तक ये हो जाएगा। अभी हमारे खेत में थोड़े से सीड्स कम पड़े हैं तो रामदेव वो लेने के लिए गया है, एंड वहाँ पे हमारा ट्रैक्टर अभी रामा चला रहा है। तो जल्दी से इतना ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद एक और बार इसके ऊपर जो इसको लेवल करना होता है वो करेंगे स्मूथ करने के लिए। तो अभी तो लग नहीं रहा है ऐसा कुछ बारिश जैसा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते बारिश आएगी या नहीं अभी। तो इसी के साथ हम हमारा आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। सो थैंक यू, बाय एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।